फ्रेंड्स हाउ आर यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आवर। आज की इस वीडियो में हम क्लास सिक्स साइंस के चैप्टर फोर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ मटेरियल्स का मतलब होता है वस्तु, और ग्रुप्स हो गई जो है हमारे समूह, और सॉर्टिंग का मतलब होता है उनको सॉर्ट करना, आपस में छांटना, श्रेणीबद्ध करना, मतलब जो चीज़ें हैं उनको हमें एक ग्रुप में रखना है, अरेंज करना है। यहाँ पे दिया गया ऑब्जेक्ट अराउंड अस, अतः ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु हो गई, और अराउंड का मतलब हमारे आसपास, और अस का मतलब हम, तो जो हमारी आसपास चीज़ें हैं। यहाँ पे वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। तो यहाँ पे हमने क्लास चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में पढ़ा था कि जो हमारे पास आसपास जो फूड आइटम्स हैं वो भी कई तरह के वैरायटी में होते हैं, और जो क्लोथ्स हैं उनकी भी डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट फैब्रिक्स पाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम फूड और क्लोथ से हट के भी देखें तो हमारे अपने आसपास कई सारी चीज़ें भी दिखाई पड़ती, जैसे चेयर हो गया, बुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, टॉयज हो गए, वाटर, स्टोन्स, और इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं। तो आप इन ऑब्जेक्ट्स में क्या देखते हैं? अगर आप उन्हें ध्यान से देखते हैं तो उनकी जो शेप्स हैं, उनके जो कलर्स हैं, और उनका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या, उनका जो यूज है, जो सारी चीज़ों का यूज है वो इस्तेमाल करते हैं हम, उसे अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम चेयर को बैठने के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स को हम किचन में यूज़ करते हैं, बुक्स को पढ़ने के लिए, क्लोथ्स को पहनने के लिए, इस तरह से। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है कि लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। अपने आप अपने आसपास देखिए, और जो चीज़ें राउंड हैं मतलब गोल हैं उन्हें हमें लिस्ट मतलब सॉर्ट आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए रबर बॉल हो गई, फुटबॉल हो गया, ग्लास मार्बल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, राउंड होती है। अगर हम खाने पीने की चीज़ों में जाएँ तो एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, यहाँ पे अर्थन पिचर मीन्स जो होता है घड़ा होता है, जो अभी आउटडेटेड है, अभी आज के टाइम में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, या फिर लेमन हो गया, पोटैटो भी हो गई, गोल सी होती है, इस तरह हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। अगर हमें इसी तरह जो एडिबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी देखना है, जो एडिबल मतलब जो खाने योग्य हैं। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि हमें अगर प्लास्टिक की से बनी चीज़ों को, जो प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको अगर एक ग्रुप में रखना हो तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। हमारे बकेट आ जाएंगे, वाटर कंटेनर्स आ जाएंगे, लंच बॉक्स हो गया, पाइप्स हो गए, जो वाटर बॉटल्स आती हैं हो गए, इस तरह मतलब प्लास्टिक के बहुत सारे सामान हैं। चेयर वगैरह भी आती, टेबल वगैरह भी प्लास्टिक की ही आती है, तो इस तरह प्लास्टिक के भी बहुत सारे सामान आते हैं। अगर आप उन्हें एक ग्रुप में रखना चाहें तो बहुत सारे सामान हो जाएंगे। इसी तरह आयरन से बने को भी रख सकते हैं, अल्मोनियम से बने चीज़ों को एक ग्रुप में रख सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारे आसपास हमें सामान दिखते हैं, ऑब्जेक्ट दिखते हैं, वस्तुएं, वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलके बनी होती हैं। तो वो मटेरियल कैसे हो सकती है, जैसे अगर हम ग्लास की बात करें, मेटल की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है, वुड की बनी हो सकती है, कॉटन की, पेपर की, तो बहुत सारी चीज़ों की बनी, और एक मटेरियल से कई सारी वस्तुएं भी बनी होती हैं। जैसे अगर हम सिर्फ ग्लास को लें तो ग्लास से भी बहुत सारी चीज़ें, यानी कांच से हमारे वाटर ग्लास बनते हैं जिसमें हम पानी पीते हैं, कटोरी हो गए, विंडोज़ के और डोर वगैरह में भी लगते हैं, हमारे कार में लगते हैं विंडो में, और घरों में भी लगते हैं, इस तरह कांच के भी बहुत सारे यूज होते हैं। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक के टॉयज बनते हैं, वाटर बॉटल्स हो गए, बकेट हो गया, लंच बॉक्स हो गया हमारा, चेयर हो गया, टेबल हो गया, इस तरह बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि हमें अपने आसपास जो ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं उन्हें कलेक्ट करना, जो हम अपने आसपास रोज़ देखते हैं अपने क्लासरूम में, अपने घरों में, उन्हें हमें एक मतलब लिस्ट बनानी है उनकी, जैसे कि चॉक हो गया, नोटबुक हो गई, इरेजर हो गया, डस्टर, और हम अपने घर में छोटे मोटे कामों के लिए हैमर यानी हथौड़ी रखे होते हैं, नेल यानी कील, सोप हो गया, स्पोक ऑफ व्हील हो गई, तो जो तीली लगी होती है चक्कों में, बैट हो गया, मैच बॉक्स हो गया, सॉल्ट, पोटैटो, इस तरह हमें इन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनानी है, और उसके बाद उनमें उनका हमें दो ग्रुप डिवाइड करना है। दो ग्रुप डिवाइड करके एक ग्रुप में जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रखना है जो सिर्फ पेपर या फिर वुड के बने हों, और दूसरे ग्रुप में हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रखना है जो इन दोनों चीज़ों से ना बने हों, जो इन दोनों के अलावा किसी चीज़ से बने हों। तो इसमें क्या जाएगा, जैसे हम अगर पेपर या वुड की बात करें तो पेपर वुड से बनता है, हमारा नोटबुक मतलब जो पेपर होता है वो वुड से ही बनता है, और मैच बॉक्स हो गया, पेपर इसमें आ गया,
पेपर और वुड वाले में हमारा बैट आ गया हमारा, और डस्टर का भी पीछे का जो पोर्शन होता है वो हमारा लकड़ी से बना होता है, इस तरह से इनमें आ गया। अगर हम हैमर की बात करें, सोप की बात करें, ये सारी चीज़ें ना तो पेपर की बनी होती ना तो वुड की, ये दूसरे ग्रुप में आ जाएंगी। इस तरह से हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप में उन्हें रख सकते हैं। यहाँ पे दिखा गया विद द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड अप ऑफ दीज मेट, सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इसी तरह हम जो सामान हमें फूड बनाने के टाइम लगते हैं, खाना बनाते समय, हम उनको भी सेपरेट कर सकते हैं। लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमैटिक, अगर हम इसे और ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में और ज़्यादा अच्छे से इन्हें कैटेगराइज करना चाहें तो उसके लिए बताया गया, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड अप ऑफ। यहाँ पे एक टेबल दी गई है, इस टेबल में हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट्स को देखना है, जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स लेते हैं हमें खुद से ऑब्जेक्ट भी चूज करना है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बने हो सकते हैं उनके नाम दूसरे कॉलम में लिखने, इस एक्टिविटी में यही बताया गया है। जैसे कि प्लेट होता है तो प्लेट हमारी स्टील, ग्लास, प्लास्टिक किसी भी चीज़ की बनी हो सकती, पेन हो गया तो पेन प्लास्टिक की भी हो सकती, मेटल की भी हो सकती। इसी तरह अगर हम इसे नीचे और बढ़ाएं और चेयर लें तो चेयर किस चीज़ की बनी हो सकती, चेयर बनी हो सकती है हमारी प्लास्टिक की, और हमारी वुड की भी चेयर होती है। तो इस तरह से हम इसको कॉलम को हमें और आगे बढ़ाना है। इसमें बस यही इतना दिया हुआ है, यहाँ टेबल 4.2 दिया हुआ है, टेबल 4.2 में बस जस्ट टेबल 4.1 का अपोजिट करना है। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट्स की जगह मटेरियल को चूज करना है फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में उनसे बनने वाले ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखना। मटेरियल क्या होता है, सामग्री, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वस्तु, मतलब जिससे एक सामग्री से कई सारी वस्तुएँ बनाई जा सकती। जैसे अगर हम वुड की बात करें तो वुड से हमें क्या क्या बन सकते, चेयर बन सकती, टेबल, प्लफ, प्लफ मीन्स हल, और बुलफ कार्ट, हुईल, हुईल मीन्स चक्का, ये सारी चीज़ें बन सकती। पेपर से हमारे बुक्स बनते हैं, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें बनती हैं। लेदर से बात करें तो बैग बनते हैं, शूज बनते हैं, और जैकेट्स वगैरह भी आती हैं लेदर की। ऐसे ही प्लास्टिक के भी आप देखें तो चेयर, टेबल, ये सारी चीज़ें बन सकती हैं, प्लास्टिक की टॉयज हो गए, वाटर बॉटल्स हो गए। तो यहाँ पे हमें जस्ट टेबल 4.1 का अपोजिट करना है 4.2 में। तो आपको इन दोनों टेबल को फिल करने से आपको क्या पता चला, ये यहाँ पे दिया गया है, बी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वेज। हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बहुत तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। बी फॉर देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। इससे हमें भी पता चला कि जो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो डिफरेंट तरह की मटेरियल से बनी होती हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सिंगल मटेरियल के ही बने होते हैं। एन ऑब्जेक्ट कुड बी आल्सो बी मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल्स, या फिर ऑब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा चीज़ों से भी बने हो सकते हैं। जैसे कि हमारे नोटबुक होती है, हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पेपर से ही बनते हैं, वो दूसरी चीज़ों से नहीं बनते हैं। और जो हमारे चेयर वगैरह होती है उस, वो कभी वो ऊट की बनी भी हो सकती है, वो प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है। इस तो वो मैनी तो कई सारी मटेरियल से बन सकते हैं। इस तरह से वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी, और इस तरह से हमें ये भी पता चला कि जो एक मटेरियल होता है उससे हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ ऊपर वाले टेबल में दिया गया था ना कि वुड से चेयर, टेबल, प्लफ, बुलक कार्ट, इतनी सारी चीज़ें बन सकती, एक मटेरियल से हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स को तैयार कर सकते हैं, और एक ऑब्जेक्ट कई सारे मटेरियल से मिलकर बना हो सकता है पेन प्लास्टिक की भी हो सकता है मेटल की भी हो। बस यही इतना बताया गया है यहाँ पे। यहाँ पे हमें बताया गया है इट सीम्स दैट वी नो, तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट को हमें किस मटेरियल से बनाना है। हमें ये चीज़ कैसे पता चलती है कि अगर पेन है तो हम उसे मेटल से या फिर प्लास्टिक से ही बना सकते हैं, हम उसे पेपर से क्यों नहीं बना सकते हैं, ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी। इट सीम्स दैट वी नीड टू मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स, इसको पता करने के लिए हमें मटेरियल्स के बारे में और नॉलेज चाहिए होगी। इसलिए यहाँ पे हमें नीचे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, यानी मेटल की जो मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो मटेरियल्स की विशेषताएँ हैं उसे जानना ज़रूरी है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर, टम्बलर क्या होता है जिसमें हम लिक्विड को स्टोर करते हैं, इज़ नॉट मेड अप ऑफ विथ अ पीस ऑफ क्लोथ, क्यों आपको किसी जिस चीज़ में आप टम्बलर जो होता है उसमें हम लिक्विड स्टोर करते हैं तो वो क्लोथ के बने क्यों नहीं होते, कपड़े से बने क्यों नहीं होते। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विथ पीसेस ऑफ क्लोथ इन चैप्टर 3। तो
यहाँ से आपको ये बताया गया कि वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, हम लिक्विड को कीप करने के लिए टम्बलर का यूज करते हैं। अगर टम्बलर कपड़े का बना होगा तो जो वाटर होगा वो उसमें होल्ड नहीं होगा, वो स्टोर नहीं होगा, बल्कि कपड़े से छन के बाहर चला जाएगा। ये तो इसलिए हम टम्बलर को कपड़े से नहीं बनाते हैं। व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर, टम्बलर को बनाने के लिए हमें प्लास्टिक, ग्लास, वुड या फिर मेटल, किसी चीज ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे जो वाटर या फिर जो भी लिक्विड हम उसमें स्टोर करें उसे होल्ड कर सके। सिमिलरली इट वुड बी नॉट बी वाइज टू यूज अ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल, इसी तरह जो हमारे किचन के जो सामान हैं जैसे कुकर कढ़ाई जिनमें हम खाना बनाते हैं उनका उनमें हम पेपर उनको हम पेपर से नहीं बना सकते हैं। उनका मटेरियल जो होगा वो मेटल का एल्युमिनियम हो सकता है, स्टील हो सकता है, आयरन हो सकता है, लेकिन हम उन्हें पेपर से नहीं बना सकते। वी सी दैट वी चूज अवर मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हम ऑब्जेक्ट चूज करते हैं उसको हम उस वो किस मटेरियल से बना है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है इसके बेसिस पे चूज करते हैं। जैसे कि हमने अगर कपड़ा से पानी छन जाता है, जो लिक्विड होती है वो छन के गिर जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके अपोजिट है, इसलिए हम कपड़े को टम्बलर बनाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम पेपर वाले पेपर से बने अटेंसिल्स में अगर हम खाना बनाएंगे तो हमारा वो क्या होगा, पेपर में आग पकड़ लेगी, इसलिए हम उसमें खाना नहीं बनाते। तो ये जो उसकी आग पकड़ने की प्रॉपर्टी है इस वजह से हम उसको कुकिंग अटेंसिल्स में यूज़ नहीं करते हैं। तो मेन फैक्ट क्या है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किसी जो इस मटेरियल की जैसी प्रॉपर्टी होती वैसे हम उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें मटेरियल्स की जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस, सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हेयर। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की गई। अपीयरेंस, यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की गई है, अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, जो हमारा बाहरी आवरण होता है, जो बाहर से देखने में कैसा लगता है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जैसे आपको पता है जो एक मटेरियल होता है वो दूसरे मटेरियल से देखने में बिल्कुल अलग सा लगता है। अगर आपके पास एक आयरन का टुकड़ा रख दिया जाए लोहे का और दूसरा ऊंट का, तो आप इजिली देख के पहचान जाओगे कौन सा आयरन है और कौन सा ऊंट है। तो इस तरह से दिया गया, आयरन अपीयर्स, और अगर आयरन और कॉपर और एल्युमिनियम भी बगल बगल में रख दिए जाए तो भी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी आयरन और एल्युमिनियम में, फिर भी आपको पता चल जाएगा कौन सा आयरन है, कौन सा एल्युमिनियम और कॉपर है। तो ये देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप जो आयरन कॉपर एल्युमिनियम है उसके कंपेयर में आयरन और ऊंट को जल्दी पहचान लोगे। तो ये बात हुई अपीयरेंस की। यहाँ पे एक एक्टिविटी 3 दी हुई है, यहाँ पे हमें इस मटेरियल्स के डिफरेंट मटेरियल्स के हमें छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं और उनको कट करना है। मटेरियल्स में क्या क्या लेना है, पेपर लेना है, कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, कॉपर वायर, तांबे का तार लेना है, एल्युमिनियम की एक सीट लेनी है, चौक लेना है, इतनी सारी चीज़ों को लेना है और हमें अपनी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल, यहाँ पे अपने आपके टीचर को भी इन्वॉल्व किया गया, आप अपने क्लासरूम में इस एक्टिविटी को करके देखना है, बिना किए तो नहीं, मतलब करेंगे तभी समझ में आएगा, सुन के थोड़ा समझ में आना मुश्किल है। यहाँ पे आप अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स में, टीचर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो वो मटेरियल आपने लिया गया, ऊपर दिखाया गया, उसकी सरफेस को आपको हल्का सा कट करना है। व्हाट डू यू नोटिस, आपको बताना है कि कट करने के बाद जो कट वाला सरफेस है, जो न्यूली फ्रेश सरफेस निकल के आया है, वो देखने में कैसा लग रहा है। जैसे ये चीज़ है, इसे पूरा फुल था, इसको जो कट किया गया है दो टुकड़ों में, तो जो ये वाला सरफेस है ये कैसा दिख गया है, जो ये वाला, इसको हमें बताना है कि वो देखने में कैसा लग रहा है, उसमें लस्चर है या नहीं है। डू यू नोटिस द साइन और लस्चर इन द अदर मटेरियल्स, जो आपको मतलब मटेरियल आपने जिस भी मटेरियल को कट किया उसमें आपको लस्चर मतलब चमक, आपको चमक देखने को मिल रही है या नहीं। कट दम एनी वे एज यू कैन, आपको उसको कैसे भी करके कट करना है। रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल, आपको ढेर सारे मटेरियल्स के साथ इसको जो है इस प्रैक्टिकल को, इस एक्टिविटी को कैरी करना है और हमें बताना है कि कौन से मटेरियल में जो है चमक लस्चर थी कटने के बाद और कौन से में नहीं थी। अगर आपको काटने के बाद ऐसे सरफेस पे लस्चर नहीं दिखाई देता तो आप उसको सैंड पेपर से उस जो कटा हुआ सरफेस है उसको एक बार रब भी कर सकते हैं, तब आपको देखना है कि दिखता है लस्चर या नहीं। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्चर,
तो आपने यहाँ पे ऊड ऊपर दिया गया था, ऊड में तो ऊड को आप कट करोगे तो उसमें लश्चर नहीं दिखेगा। आपको वहाँ पे चौक दिया गया था, चौक में भी लश्चर नहीं दिखेगा। लेकिन कौन से मटेरियल्स में लश्चर दिखेगा? जैसे आप मेटल्स को लोगे, जो मेटल्स होते हैं उनमें लश्चर दिखते हैं। मेटल्स में क्या क्या आते हैं? आयरन हो गए, कॉपर हो गए, एल्युमिनियम हो गए, गोल्ड हो गए, ये सारे मेटल्स में आपको जब आप कट करोगे तो लश्चर दिखेगा। आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में आप इजीली देख सकते हो, गोल्ड महंगा होता है तो आप उसको नहीं कट कर सक पाओगे, नहीं मिलेगा आपको। सम मेटल्स ऑफ्टन लूज देयर साइन एंड अपीयर डल। इसमें में से भी कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो जैसे जो पुराने होते जाते हैं, उनको खरीद के घरों में रख लेते हैं तो वो पुराने जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे डल हो जाते हैं, उनकी जो साइन होती, चमक होती है वो खो जाती है, क्योंकि वो एयर के और मॉइस्चर यानी नमी के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। जैसे आयरन होता है उसको हम छोड़ दें अगर कुछ दिन के लिए, तो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आते ही उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, तो वो अपनी जो चमक होती है उसको खो देता है। इसलिए हमें यहाँ पे जो है फ्रेश कट सरफेस को कट करने को कहा गया, क्योंकि पुराने पे नहीं दिखेगा। जैसे आप अगर कहीं गोल्ड की कोई चीज़ लेने जाओ या आयरन की या स्टील का ही कोई बर्तन लेने जाते हो तो जब नया नया रहता है तो उसमें काफ़ी चमक रहती है। जब आप उसको यूज करते हो 2 साल 3 साल तो रेगुलर यूज कर रहे हो उस बर्तन को, तो उसमें से चमक जो होती है वो गायब सी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे हमें फ्रेश कट सरफेस की बात करने को लेने को कहा गया है कि आप जो देखोगे जहाँ पे आप प्रैक्टिकल करोगे वो फ्रेशली कट सरफेस होनी चाहिए। यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी हमें हार्डनेस बताई गई है। हार्डनेस क्या होता है? अगर आपको डिफरेंट मटेरियल्स को लेना है और उनको अपने हाथों से कॉम्प्रेस करना है, दबाना है, अगर वो कॉम्प्रेस होते हैं, दब जाते हैं, तो क्या हुआ, तो वो मेटल जो है वो मतलब वो वाला मटेरियल जो है वो सॉफ्ट है, वो हार्ड नहीं है। अगर वो नहीं दबता है तो उसमें हार्डनेस है। या आपको इसमें डिफरेंट चीज़ को लेके बताया गया, वुड, एल्युमिनियम, स्टोन का पीस लेके सारी चीज़ों से ये वाली एक्टिविटी करनी है। मटेरियल स्विच कैन भी, और यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या दी गई है, उसके सरफेस को स्क्रैच भी करना है, अभी आप जब आयरन को स्क्रैच करोगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी सरफेस से। आप चौक को स्क्रैच करोगे तो उस पर ईजिली टूट जाएगा या फिर खरोच की निशान आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती, सॉफ्ट होती हैं, जो कॉम्प्रेस हो और स्क्रैच भी हो वो उसको हम सॉफ्ट बोलते हैं। जो डिफ़िकल्ट हो, कॉम्प्रेस ना हो, जो ईजिली से दबे ना और उस पर कोई स्क्रैच ना आए, वो उसे हम हार्ड बोलते हैं। तो सॉफ्ट में, सॉफ्ट किसे बोलते हैं, जो कॉम्प्रेस ना हो, जिसको स्क्रैच ना हो, स्क्रैच हो जाए ईजिली से और जो दब जाए उसे सॉफ्ट बोलते हैं। और हार्ड की बात करें तो हार्ड में क्या आता है, जो ईजिली कंप्रेस भी ना हो और जो जो है स्क्रैच भी ना हो। जैसे एग्जांपल हमारा आयरन, आयरन क्या होता है, हार्ड होता है। आप उसको स्क्रैच करोगे, आप उसको हाथ से दबाओगे तो वो जो है टूटने वाला नहीं है ना, और ना ही वो दबने वाला है। आप अगर उसको दबाओगे तो आयरन क्या हो गया, हमारा हार्ड हो गया। लेकिन आप वहीं पर अगर कॉटन की बात करो तो कॉटन जो रुई होती है, आप उसे दबाओगे तो दब जाएगी, उसे स्क्रैच करोगे, उसे खींचोगे तो टूट जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आयरन जो होगा वो हमारा हार्ड है, उसे जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अपीयरेंस में भी जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कि जैसे उसमें लश्चर होता है, हार्डनेस होती है, रफ़ होता है, स्मूथ होता है, हमें देख के मटेरियल को पता चल जाता है कि मटेरियल में चमक है कि नहीं है, वो हार्ड है या रफ़ है या स्मूथ। रफ़ मतलब खुरदुरा, स्मूथ मतलब चिकना। तो हमें देखते हुए अपीयरेंस, बाहर के अपीयरेंस ही पता चल जाता है कि मटेरियल कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, रफ़ है, लश्चर है, उसमें चमक है कि नहीं है। ये तो हो गई बाहरी अपीयरेंस, बाहरी देखने की बात। यहाँ पे दूसरी जो देखने की, दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबिलिटी और इनसॉल्यूबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे हमें समझना है। उसके लिए मैं एक एक्टिविटी दी गई हूँ कि आपको एक वाटर लेना है, एक बीकर या फिर ग्लास लेना है, उसमें वाटर भरना है। 5 टाइप के ग्लास लेने हैं, एक में हमें चॉक पाउडर डालना है, एक में हमें शुगर डालना है, एक में साल्ट डालना है, एक में सैंड डालना है। इसी तरह हमें डिफरेंट ग्लास में डिफरेंट तरह के मटेरियल्स को ऐड करना है। उसके बाद हमें उसको चम्मच से कुछ देर तक मिलाना है। जब आपको उसको मिलाते रहना है और कुछ देर बाद उसको जब छोड़ देना है, जब आप देखेंगे कुछ देर बाद जब उसको छोड़ देंगे तो आपको क्या पता चलेगा, जो चीनी वाला बीकर रहेगा, जो चीनी वाला बीकर में जो पानी रहेगा उसमें चीनी और पानी आपस में घुल गए रहेंगे, तो और नमक वाले में भी घुल गए। लेकिन आप जो सैंड वाला देखेंगे, सैंड वाले में क्या होगा, आप जब उसको चम्मच से हिलाने के बाद छोड़ देंगे तो कुछ देर बाद रेस्ट में जाने के बाद जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो बीकर के तले में, यानी उसके जो नीचे नीचे जाके एक लेयर बना के नीचे बैठ जाएंगे, तो वो उसमें सॉल्यूबल नहीं होते। जो एलिमेंट्स पानी में घुल जाते हैं, जिनको देखने के बाद पता नहीं चलता वो कहाँ है,
उन्हें हम सॉल्यूबल बोलते हैं। जैसे चीनी है, अगर हम उसको पानी में मिलाते हैं तो वो घुल जाएगी, चीनी में मिल जाएगी, तो चीनी क्या हुई, सॉल्यूबल हुई। नमक भी क्या हुआ, सॉल्ट को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो वो भी मिल जाएगा, तो वो वाटर जो हुआ वो सॉरी जो सॉल्ट हुआ वो भी वाटर में सॉल्यूबल है, लेकिन सैंड क्या है, वो इनसॉल्यूबल है क्योंकि वो पानी में नहीं घुलेगी। ये तो यहाँ पर हमें वाटर में सॉलिड का सॉल्युबिलिटी दिखाई गई है। यहाँ पे हमें अपने टेस्ट का जो रिजल्ट आया है वो इस टेबल में फिल करना है। तो जो चीज़ें घुल गई वो सॉल्यूबल हैं, और जो चीज़ें ना घुली वो इनसॉल्यूबल हैं। सिंपल सा था यहाँ पे। और हमें यहाँ पे एक्टिविटी 5 दी गई, इसमें हमें वाटर जो है लिक्विड है, इसमें हमें लिक्विड मिला के सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। अभी तक हमने ऊपर सॉल्ट जो और शुगर जो भी लिया था ये सॉलिड था, हमने सॉलिड की सॉल्युबिलिटी चेक की थी। यहाँ पे हम लिक्विड की सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ पे जो लिक्विड में हमें लेना है, वहाँ पे विनेगर कहा गया है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल और लेमन जूस को लेने की बात कही गई। आपको एक बीकर में पानी लेना है, एक नहीं मतलब कई सारे बीकर्स में पानी लेना, और एक में विनेगर डालना यानी सिरका, दूसरे में लेमन जूस, तीसरे में मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन ऑयल हमें अलग अलग बीकर में ऐड करना है। इस तरह से जब हम उसे देखेंगे, उसको भी हमें आराम से चम्मच से चलाना है, उसके बाद कुछ देर के लिए रख देना है। जब आप 5 से 6 मिनट इसे रख दोगे तो आपको क्या दिखेगा, जो जो आपका विनेगर वाला सॉल्यूशन है वो क्या होगा, विनेगर वाला तो मिक्स हो जाएगा, अच्छे से विनेगर वाला इसमें मिक्स हो जाएगा, लेमन जूस भी मिक्स हो जाएगा वाटर में, लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन ऑयल रहेगा, ये तीनों क्या होंगे, ये ऊपर पानी के ऊपर एक लेयर बना लेंगे। ऑयल कभी भी आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, और वाटर में कभी भी मिक्स नहीं होता है, वो हमेशा पानी के ऊपर एक लेयर सा बना लेगा, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे कोकोनट ऑयल हो, चाहे केरोसिन ऑयल हो, आप चाहे जिस ऑयल की बात करें वो पानी में घुलेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कुछ लिक्विड्स हैं वो वाटर के साथ पूरा पूरी तरह से सॉल्यूबल हैं, जैसे कि विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया। अब मिल्क की भी बात करें तो मिल्क भी पूरी तरह से वाटर में सॉल्यूबल होता है, और कुछ जो हैं वो एक सेपरेट लेयर, एक अलग सी लेयर उसके ऊपर बना ले रही हैं। फिर यहाँ पे हमें यही एक्टिविटी, यही चीज़ दिखाई गई है कि जो है हमें गैस में भी करना है। गैस में हम देखते हैं कुछ जो गैसेज होती हैं वो भी वाटर में सॉल्यूबल होती हैं, और कुछ जो है वो बिल्कुल भी सॉल्यूबल नहीं होती हैं। सम गैसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर, जैसे कि एग्जांपल में हम बात करें ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन गैस होती है ना वो वाटर में भाई बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होती है, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। इसीलिए जो हमारे वाटर के जो एनिमल्स होते हैं, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, लाइक फिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, या फिश में भी बहुत सारी फिशेज होती है, ये सारे जो हमारे होते हैं ये कैसे सांस लेते हैं, ये इसी ऑक्सीजन के थ्रू सांस लेते हैं। जो ऑक्सीजन हमारे वाटर में डिजॉल्व होता है उसी ऑक्सीजन से ये सांस लेते हैं। इसको आप आगे के चैप्टर में और ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ोगे बायो में। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, यहाँ पे फ्लोटिंग और सिंकिंग की प्रॉपर्टी दी गई है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, और कुछ जो होते हैं सिंक, ये डूब जाते हैं। तो आपने यहाँ पे बताया गया कि एक्टिविटी 4 जब आप कर रहे थे तो आपने देखा होगा, एक्टिविटी 4 कौन सी थी, वो जिसमें आपने सैंड के पार्टिकल्स को ऐड किया था, तो कुछ जो थे वो घुल गए थे और जो नहीं घुले थे वो पानी के तले में जाके बैठ गए थे। जैसे सैंड वाला आपने किया था तो सैंड के जो पार्टिकल्स थे वो पानी के तले में बीकर में नीचे जाके बैठ गए थे। तो इसी तरह यहाँ पे फ्लोट और सिंकी भी दी गई, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई होगी आपको करना है। एक्टिविटी 5 में भी आपने देखा होगा कि जो पानी, जो ऑयल था वो ऊपर लेयर बना लिया था, तो कुछ में जो होता है जब आप बीकर में लेते हैं और टेस्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो सैंड वाले टेस्ट में आपको सैंड के पार्टिकल्स नीचे बैठ गए थे इस तरह से, और जो आपने ऑयल वाला किया था, ऑयल वाले में कैसे होंगे, जो हमारे वाटर के होंगे वो ऐसे ऐसे पानी के ऊपर लेयर बना लेंगे। तो डिफरेंट तरह के हैं, मतलब जो ऑयल है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, और जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो डूब गए, वो सिंक कर गए हैं। तो आप यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे आसपास या तालाब में, देखिए जब तालाब के किनारे मान लीजिए कोई पेड़ है, आप ध्यान दीजिए तो जो उसमें से पत्ती गिरती है सूखी हुई, वो तालाब पे जाके उसके पानी में तैरने लगती है। यहाँ यहीं पर अगर आप कोई स्टोन थ्रो करते हो, कोई पत्थर थ्रो करते हो उसी पॉन्ड में, तो वो स्टोन जाके पानी में डूब जाता है। इसी तरह ड्रॉप ऑफ हनी की भी बात की गई, आप हनी की ड्रॉप डालिए। तो बूझो वुड लाइक टू गिव हिम 5 एग्जांपल्स ईच ऑफ दैट फ्लोट एंड दैट सिंक इन वाटर, व्हाट अबाउट टेस्टिंग दीज मटेरियल्स, सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल। तो यहाँ पे हमें बताया गया जस्ट कि आपको देखना है पॉन्ड में कि वो, और आपको सोचना है कि क्यों वो सारी चीज़ें डूब जाती हैं, और क्यों जो हमारी ड्राई लीव्स होती हैं वो ऊपर तैरती हैं। तो ये हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो हमारे बड़े बड़े जहाज होते हैं वो कैसे पानी में नहीं डूबते हैं, बल्कि वो तो स्टोन से भी ज़्यादा भारी होते हैं। तो ये आपको सोचना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे दिया गया है।
ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे हमें दूसरी प्रॉपर्टी मटेरियल की बताई गई ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड, यहाँ पे बताया गया कि बचपन में आपने हाइड एंड सीक गेम खेला होगा। हाइड एंड सीक मतलब जो हम छुपते हैं और खोजना रहता है। तो थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर वुड यू लाइक, तो आप कैसे प्लेसेस पे छिपना शुरू चाहते हैं? ऐसे प्लेस पे ही छिपना चाहेंगे जहाँ से आपको कोई ढूंढ ना पाए, आप दिखे ना। क्या आप कभी किसी शीशे, जैसे आपके कम रूम में विंडो में शीशा लगा हुआ, तो क्या आप विंडो के पीछे छिपेंगे? क्यों नहीं छिपेंगे, क्योंकि आपको शीशे से, आपको जो विंडो का शीशा है उससे आपको फ्रेंड आपको देख लेंगे, तो आप उसके पीछे कभी नहीं छिपेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे बताया गया, दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू हुई थिंग्स कैन बी सीन इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल्स जिनके थ्रू हमें आर पार दिखता है, जिसके पार दिखता है, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे कि शीशा, शीशे की बात करें, मतलब जो शीशा, जैसे जिसमें हम चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं, वो क्या होते हैं, एक साइड से पॉलिश होते हैं, इसलिए हमें नहीं दिखाई पड़ते। जो पॉलिश नहीं होते, जैसे हमारे कार वगैरह में लगा होता है, विंडो वगैरह में लगा होता है, वो शीशा जो पॉलिश नहीं होता उसके आर पार दिखता है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में भी आर पार दिखता है। आप किसी बकेट में वाटर लीजिए, फुल कीजिए और उसमें आप अपना चेहरा देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा। एयर हुआ, इसमें भी दिखाई पड़ता है, हमारे चारों ओर एयर रहती है लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को देख पाते हैं। तो ये जो ग्लास हुआ, वाटर हुआ, ये सारी चीज़ें जो हुई, एयर हुई, ये सारे क्या हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। आपने देखा होगा जो शॉपकीपर दुकान पे जाते होंगे, वो जो स्वीट मटेरियल्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, कैंडीज़ होती हैं, उन्हें क्या इस तरह के ट्रांसपेरेंट जार में रखते हैं, ताकि जो बच्चे जो हैं इसे देख पाएँ किस जार में कौन सी चीज़ है और वो खरीद पाएँ। ये जार कैसे होते हैं ट्रांसपेरेंट, इसमें जो अंदर का सामान रखा होता है वो हमें बाहर से दिखता है। यहीं पे अगर आप ये किसी लकड़ी का डिब्बा लिए होते या प्लास्टिक का डिब्बा लिए होते तो उसमें हमें चीज़ें बाहर से ना दिखती, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं प्लास्टिक, सो दैट बायर्स कैन ईजली सी द। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स, इसी साइड से कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हम नहीं देख पाते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, ओपेक, जिनमें हम आर पार ना देख पाए, बिल्कुल भी ना दिखे, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपेक। जैसे आप कोई कार्डबोर्ड लीजिए, वुडन बॉक्स, लकड़ी का कोई बॉक्स है ले रहे हैं, आपका कोई मेटल कंटेनर है उसे ले रहे हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल भी उस पार नहीं दिखाई पड़ेगा। आप कोई लकड़ी का टुकड़ा लीजिए और उसको अपने आंखों के सामने रखिए और सोचिए, आपको उधर का दिखेगा, उस लकड़ी के पीछे का पोर्शन तो आपको नहीं दिख सकता। वहीं पर अगर आप कोई शीशा लेते हैं तो उसमें से दिखता है। तो जिन चीज़ों में आर पार ना दिखाई पड़े वो ओपेक हैं। ओपेक का एग्जांपल क्या है, वुड बॉक्स हो गया, मेटल का कोई कंटेनर हो गया, ये सारे क्या है, ओपेक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि टेक अ सीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रो इट टूवर्ड अ लाइटेड बल्ब, आपको एक पेपर का सीट लेना है और उसको जो है बल्ब में देखना है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट इन ऑन द सीट ऑफ पेपर, आपको बल्ब के सामने पेपर लगा के देखना है वो बल्ब आपको दिखता है कि नहीं। फिर अगर आपको अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है ऐसा प्रैक्टिकल करके, और आप फिर उसके बाद हमें क्या करना, उसी पेपर पे 2-3 ड्रॉप ऑयल की गिरानी है, उसको पूरे पेपर पे फैला लेना, फिर देखना है आपको उससे लाइट दिखती है, बल्ब दिखता है कि नहीं। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रो दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन व्हिच द ऑयल वाज स्प्रेड, आपको उस पोर्शन से देखना है जिस पे आपने ऑयल को फैलाया हुआ है, फिर आपको अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है। बट यू कैन सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर इज एवरीथिंग, तो जो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऐसी एक्टिविटी करेंगे, तो आपको जो आप सिंपल पेपर से, नॉर्मल पेपर से देखते तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, वहीं जब आप ऑयल लगे हुए पेपर से देखेंगे तो आपको कुछ विजिबल होगा, मतलब पूरा नहीं दिखेगा, पार्शियली दिखेगा, न तो पूरा क्लियर दिखेगा ही, ना ही पूरा नहीं दिखेगा। ऐसे मटेरियल जिसमें थोड़े से दिखाई पड़े, ऐसा ना कि पूरा क्लियरली दिखाई पड़े और ना ही पूरी तरह से इनविजिबल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ठीक है, जिनमें हमें पार्शियली दिखाई पड़े, थोड़ा सा दिखाई पड़े, वो क्या है, ट्रांसलूसेंट। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट दैट आर ट्रांसलूसेंट टू। आपने एक एक्टिविटी की थी जो सेकेंड चैप्टर में, जिसमें आपको फैट का टेस्ट करने के लिए बोला गया था कि आपको पेपर पे ऑयल लगा के, सॉरी, जो मटेरियल होते हैं खाने के उन पर आपको चेक करना है, उसको दबा के अगर उसमें ऑयल होगा तो फैट होगा। तो उससे भी हमें पता चलता है कि ऑयल वाले जो होते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं पेपर, क्योंकि उसमें हमें पूरी लाइट नहीं पास होती लेकिन हल्की सी पास हो रही है। इसी तरह एक एग्जांपल और दिया गया है कि हमको एक टॉर्च लेनी है, उस पर इस तरह से उसको लाइट की जो बीम होती है उस मतलब टॉर्च को ऑन करके उसके ऊपर से इस तरीके से हाथ रखना है, आपको कुछ ऊपर से इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है।
तो इससे आपको क्या पता चलता है, जब आप स्विच ऑन करके इस तरह से कवर करके टॉर्च को रख लेते हैं तो आपको जो आपका जो पाल होता है, मतलब जो हथेली होती है, उससे लाइट पास होती है या नहीं पास होती। तो जो लाइट होती है वो ना मतलब थोड़ी सी पास होती है, ना तो बिल्कुल ओपेक ही होती ना तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही होती। तो हमारा जो पाम है वो क्या है, ट्रांसलूसेंट है। वेदर द पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो क्या है हमारा पाम, यहाँ पे हमें बताया गया है, पूछा गया है। तो आप जब ऐसी एक्टिविटी करोगे तो आपको थोड़ी सी जो लाइट होती है वो दिखती है आते, तो हमारा पाम क्या है वो ट्रांसलूसेंट है। वी लर्न द मटेरियल डिफरेंट इन देयर अपेयरेंस एंड वे दे मिक्स इन अदर वाटर और लिक्विड्स। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारे मटेरियल होते हैं वो कई तरह से डिफरेंट होते हैं, उनके लुक के मतलब अपीयरेंस के बेसिस पे, उनमें लश्चर होता है, वो फ्लोट करते हैं, वो डूबते हैं, वो सिंक करते हैं, उनमें हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और लूसेंट। इतनी सारी चीज़ें मटेरियल्स की प्रॉपर्टी में बताया गया। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़। हम मटेरियल्स की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, उनमें उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी सिमिलरिटीज़, यानी जिनकी प्रॉपर्टी एक तरह से एक तरफ की है उन्हें एक साइड रख सकते हैं एक ग्रुप में, और जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हैं उनको एक साइड। व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप ऑफ मटेरियल्स। तो हमें जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि हम मटेरियल्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं, फिर हम मटेरियल्स की ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट मतलब जिनके आर पार दिखे, ट्रांसलूसेंट जिनमें आधा मतलब पार्शियली दिखे, और ओपेक जिनमें बिल्कुल ना दिखे। सॉफ्ट मतलब जो नरम हो, और हार्ड मतलब जो कड़े हों, जो ना तो कॉम्प्रेस हो ना स्क्रैच हो। फ्लोटिंग पढ़ा, सिंकिंग पढ़ा मतलब जो डूब जाते हैं और जो तैरते हैं, जैसे कि ऑयल वाटर की लेयर के ऊपर अपनी एक लेयर बना लेता है, फ्लोट करता है, जैसे कि सैंड पार्टिकल्स वाटर की लेयर के नीचे जाके बैठ जाता है, वो डूब जाता है। अब हमें जानना है कि इस सारी ग्रुपिंग की हमें ज़रूरत क्यों है। इन एवरी डे लाइफ वी ऑफ्टन ग्रुप एनिमल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम अपनी लाइफ में मतलब ईजी रखने के लिए सब कुछ जो चीज़ें हैं वो हम मतलब जहाँ से हमें अच्छे से मिल जाएँ, हमें ढूंढना ना पड़े, इसके लिए हम मटेरियल्स की ग्रुपिंग करते हैं। जैसे कि आप अपने होम में अपने घरों में देखते होंगे कि जो थिंग्स होती हैं वो बड़े ही मैनर में रखी होती हैं। आप अपना बैग सेट करते होगे तो नोटबुक्स को एक साइड रखते होगे, जो पढ़ने वाली बुक्स होती होंगी उसे एक साइड रखते होगे। आपकी मम्मा आपके वार्डरोब जब सही करती होगी तो उसमें जो ऊलन कपड़े होते होंगे उन्हें एक साइड रखती होगी, और जो डेली लाइफ में मतलब डेली पहनने वाले कपड़े होंगे वैसे उन्हें एक साइड रखती होगी। इसी तरह अगर हम किचन की बात करें तो किचन में भी मसालों को एक साइड रखा जाता होगा, और दाल चावल आटा हुआ इन्हें एक साइड। क्यों? इन्हें हम अपने ही ईजी मतलब हमें ईजी हो, हमें ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, इसीलिए हम रखते हैं। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप ऑल सोप्स एट अनदर। ऐसे आप दुकानों में भी देखते होंगे, जो दुकान वगैरह होते होंगे वो जो खाने की चीज़ें होती हैं, बिस्किट हो गई, टॉफ़ी हो गई, इनको एक साइड रखते हैं, और जो जैसे सोप हो गया, ग्रेन हो गया, पल्सेस हो गए, उनको दुकान में एक साइड रखते हैं, ताकि उन्हें कोई जैसे खरीदने आए, कोई ग्राहक आए, कोई कस्टमर आए तो उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें ढूंढना ना पड़े कोई चीज़, उन्हें पता हो ऑलरेडी कि ये चीज़ किस साइड होगी। तो देयर इज अनदर रीज़न व्हाई वी फाइंड अ सच अ ग्रुपिंग यूजफुल। तो ये इसीलिए हमारे जो ग्रुपिंग होती है हमारी लाइफ को ईजी बनाती है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इंटू ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टी। इसी तरह की जो मटेरियल्स की जो ग्रुपिंग होती है ना वो हमारी स्टडी में ईजी हमारी स्टडी को हमारी पढ़ाई को ईजी करती है। तो हमें जो ग्रुपिंग की ज़रूरत क्यों होती है, हमें ईजी जो हमारे अपनी लाइफ को ईजी कराने के लिए, ठीक है, इसलिए हमें ग्रुपिंग की ज़रूरत होती मटेरियल्स की। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, हार्ड सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, लश्चर, मटेरियल, मेटल्स, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट, और रफ़ क्या होता है। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।